नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। कोरोना के खिलाफ जीतेंगे हम ये लड़ाई, टीका लगवाने में ही है सबकी भलाई। 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति टीकाकरण के लिए पंजीकरण करवाएं। पंजीकरण के लिए www.covin.gov.in अथवा selfregistration.covin.gov.in पर लॉग इन कर अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें। मोबाइल पर प्राप्त OTP नंबर दर्ज करें और सत्यापित करें। फार्म के अनुसार विवरण भरें और स्वयं को पंजीकृत करें। टीकाकरण के उपरांत भी 3 बहुमूल्य नियम अवश्य अपनाएं। हमेशा मास्क पहने, अपने हाथ साबुन और पानी से नियमित तौर पर अच्छी तरह धोएं, दूसरों से उचित दूरी बनाकर रखें। अब पेश हैं आज के समाचार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज दूरभाष के माध्यम से मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर से प्रदेश में COVID-19 स्थिति के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री को COVID-19 मरीजों के उपचार के लिए हर संभव उपचार सुविधा उपलब्ध करवाने के साथ इस वायरस के प्रसार को रोकने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में अवगत करवाया। उन्होंने प्रधानमंत्री से प्रदेश के वर्तमान ऑक्सीजन कोटे को 15 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 30 मीट्रिक टन करने का आग्रह किया, ताकि प्रदेश की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से प्रदेश के लिए अतिरिक्त ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध करवाने का भी आग्रह किया। उन्होंने प्रधानमंत्री को बताया कि राज्य सरकार ने पहले से ही केंद्र सरकार को प्रदेश के लिए 5000 डी टाइप और 3000 बी टाइप सिलेंडर उपलब्ध करवाने का आग्रह किया है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री को राज्य में चल रहे टीकाकरण अभियान के बारे में भी अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री से प्रदेश को पर्याप्त वैक्सीन उपलब्ध करवाने का आग्रह किया गया है, ताकि 18 से 44 वर्ष की आयु के व्यक्तियों के लिए भी टीकाकरण अभियान आरंभ किया जा सके। इसके उपरांत पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, आज माननीय प्रधानमंत्री जी का हमें फोन आया था और सारी डिटेल इंफॉर्मेशन हिमाचल की उनके हाथ में थी। टोटल नंबर ऑफ केसेस के साथ साथ में रिस्ट्रिक्शंस के बारे में उन्होंने जानकारी ली, पॉजिटिविटी रेट कितना है और उसके साथ में डेथ कितनी है, डेथ रेट कितना है, इन तमाम सारी बातों को चर्चा करने के बाद ऑक्सीजन की सप्लाई कैसे चल रही है, वैक्सीन की सप्लाई कैसे चल रही है और उसके बाद रिस्ट्रिक्शन में कुछ और चीज़ें जो करने की दृष्टि से आप सोच रहे हैं वो भी बात उनने की है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विस्तार से चर्चा करने के बाद हिमाचल प्रदेश के लिए इस संकट में हर संभव सहयोग जो दिया जा सकता है वो देने की उनने बात कही है। एक बात तो सबसे बड़ी बात यही है कि आज की तारीख में जो हम लोगों को मुश्किल यहाँ आ रही है, मुश्किल में बड़ी बात यही आ रही है कि ऑक्सीजन की अभी शॉर्टेज तो नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन के खाली सिलेंडर हमारे पास उपलब्ध कम है। उस दृष्टि से भी हमने आग्रह किया कि अगर खाली सिलेंडर हमको उपलब्ध हो जाते हैं तो, क्योंकि इस वक्त नंबर ऑफ केसेस हमारे पास जो एडमिट है उनमें से ज़्यादा लोगों को ऑक्सीजन की आवश्यकता महसूस हो रही है और डॉक्टर का कहना है कि ऑक्सीजन के लिए हमको खाली सिलेंडर जितने ज़्यादा मिल सकते हैं, जहाँ से भी मिल सकते हैं, वो उपलब्ध करवाने चाहिए। दूसरी बात, इस बात के लिए भी जो लोगों के बीच में कुछ चीज़ों को लेकर के जो मेडिसिन से रिलेटेड इश्यूज थे, पर्टिकुलरली जो रेमडेसिविर का जिक्र आ रहा था बातचीत में, उसमें उनका कहना है कि वो मेडिसिन सभी मरीजों के लिए आवश्यक है, ये ऐसा डॉक्टर्स ने बड़ा स्पष्ट कर दिया है, ये लोगों को जानकारी होनी चाहिए। और हमने कहा कि भी लोगों को इस बारे में जानकारी भी है और इसको और लोगों तक पहुंचाने की बात है। मेनली उनका फोकस ये था, एक पार्ट ये कि हम इस वायरस के संक्रमण को सीमित कैसे कर सकते हैं, उसको पकड़ कैसे करें, उसको रोक कैसे सकते हैं, उसके लिए जो भी सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है उस दिशा में आगे बढ़ो। और पर्टिकुलरली मैंने जब जिक्र किया कि कांगड़ा, ऊना, सिरमौर, सोलन जो बॉर्डर एरिया है वहाँ संक्रमण हमारा ज़्यादा फैला है, तो उस पर आने वाले समय में हमारी कुछ रिस्ट्रिक्शन की दृष्टि से कुछ स्ट्रेटजी अलग हो सकती है, क्योंकि यहाँ संक्रमण ज़्यादा है और तेज़ी से बढ़े भी हैं और डेथ भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद दूसरा उनका प्रमुख रूप से है कि गरीब आदमी को परेशानी नहीं, मजदूर आदमी को परेशानी ना हो, यानी लाइवलीहुड से कंसर्न था कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि लाइवलीहुड पर इसका इम्पैक्ट इस प्रकार का ना आए, जो छोटे लोग हैं उसका क्या रास्ता हो सकता है, तो उस सारी चीज़ को लेकर के भी उन्होंने कहा कि थोड़े वक्त के लिए
तो थोड़ा रिस्ट्रिक्शन, लेकिन लंबा स्पैन उसमें ना हो, इस बात को देख लीजिए किस तरह से किया जा सकता है। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को निर्माण कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने और विकासात्मक परियोजनाओं को समयबद्ध पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़कें प्रदेश में परिवहन का मुख्य साधन है, इसलिए विभिन्न सड़कों और पुल परियोजनाओं के निष्पादन संबंधी वांछित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रभावी कार्य योजना बनाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि उन परियोजनाओं पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए जिनका निर्माण कार्य पूर्ण होने वाला है। उन्होंने विभिन्न परियोजनाओं निष्पादन करने वाले विभाग के इंजीनियरों को कुशलता से कार्य करने के भी निर्देश दिए। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत राज्य में 18,430 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। 2,406 कस्बों को सड़कों के माध्यम से जोड़ा गया है। ये योजना विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क संपर्क स्थापित करने में वरदान सिद्ध हुई है। उन्होंने विभाग के अधिकारियों को गांवों को सड़क सुविधा से जोड़ने के लिए लोगों को उदारतापूर्वक भूमि दान करने के लिए प्रेरित करने पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2021 के लिए नाबार्ड के तहत स्वीकृत ऋण लक्ष्य 540 करोड़ रुपए है और विभाग ने 565 करोड़ 52 लाख रुपए की 114 परियोजनाएं स्वीकृत की है। उन्होंने कहा कि इन राजमार्गों पर यातायात के अत्यधिक दबाव को देखते हुए गुणात्मक निर्माण और रखरखाव पर विशेष बल देना चाहिए। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित विश्व बैंक पोषित परियोजनाओं के कार्य में भी तेजी लाई जानी चाहिए और इन्हें समयबद्ध पूर्ण करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की परियोजनाओं जैसे कीरतपुर नेरचौक, मनाली और परवाणु सोलन ढली को भी अतिशीघ्र पूरा करना चाहिए ताकि यात्रियों को असुविधा ना हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके द्वारा की गई घोषणाओं के क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि लोगों को उनका लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला से मंडी जिला के धर्मपुर क्षेत्र के लिए वर्चुअल माध्यम से आधुनिक एम्बुलेंस को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस एम्बुलेंस में ऑक्सीजन आपूर्ति और एक समय में दो मरीजों के लिए परिवहन सुविधा उपलब्ध है। श्री जयराम ठाकुर ने एम्बुलेंस और मास्क प्रदान करने के लिए धर्मपुर भाजपा मंडल के प्रयासों की सराहना की और कहा कि इससे क्षेत्र के जरूरतमंद लोगों को संकट के समय में सहायता प्रदान करने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने आम जनता, परोपकारी तथा संपन्न वर्ग से मुख्यमंत्री राहत को और मुख्यमंत्री कोविड फंड में उदारता से अंशदान करने का आग्रह किया। अब लेते हैं एक ब्रेक और सुनते हैं ये संदेश। अरे भाई साहब, बिना मास्क लगाए कहाँ जा रहे हो? बाजार जा रहा हूँ सामान लेने, उसके लिए मास्क की क्या जरूरत है? अरे भाई, आपको मालूम नहीं है कोरोना कितना फैला हुआ है? अपना नहीं तो कम से कम अपने परिवार का तो ख्याल रखिए। ये लो, लगा लिया मास्क। ऐसे नहीं, ऐसे मास्क लगाने का कोई फायदा नहीं है। अपने नाक और मुंह को अच्छी तरह से ढको। हाँ बिल्कुल ऐसे। आप जानते हैं ना कि कोरोना की दूसरी लहर कितनी खतरनाक है, तो ऐसे में आपका मास्क और भी सुरक्षित होना चाहिए। हाँ। सही मास्क पहने और घर पर भी मास्क का इस्तेमाल करें। इसके अतिरिक्त अपने हाथों को बार बार साबुन और पानी से अच्छी तरह धोएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और दूसरों से उचित दूरी बनाकर रखें। खुद भी सुरक्षित रहें और अपने परिवार और समाज को सुरक्षित रखने में अपना योगदान दें, ये हम सब की जिम्मेवारी है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा दोपहर 2 बजे जारी बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 2,833 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनकी रिपोर्ट अभी आना बाकी है। अभी तक 16,12,370 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 14,74,710 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 1,24,854 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 54,290 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 28,723 व्यक्ति उपचाराधीन हैं। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल DPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।